बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि चाहे आप आपस में कितने ही लड़ो, लेकिन जब विरोधी आप पर आक्रमण करे तब आप एकजुट होकर अगर एक लामबंदसा से आवाज उठाते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संगठित बनो, शायद उससे काफी ज्यादा फर्क भी पड़ता है और इफेक्टिव भी होती है। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के परिणाम नतीजे सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के रास्ते अलग अलग है। क्या चंद्रशेखर आजाद ने भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है, वे अखिलेश यादव भी अलग चुनाव लड़ेंगे, बसपा भी अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि कल देर रात जेएनयू, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जाकर गुंडई की और उसके बाद वहां पर मारपीट की, तोड़फोड़ की, और तोड़फोड़ करने के बाद आपको बता दें कि कई छात्र छात्राओं के सिर में गंभीर चोटें आए हैं। आपको बता दें कि करीब 1 से 2 दर्जन छात्र अभी भी जेएनयू के जो छात्र है वो गंभीर रूप से एम्स में भर्ती है, जिनमें आपको बता दें कि जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष आयशा घोष भी शामिल है। आपको बता दें कि अटैक होने के बाद, कल देर रात हुए इस अटैक के बाद, पूरे देश भर के जो विपक्षी नेता था वो एकदम से बीजेपी पर गरज उठे। आपको बता दें, विपक्ष का आरोप है कि ये पूरी जो गुंडई की गई थी या जो लोग थे वो एबीवीपी से जुड़े थे, और आपको बता दें कि एबीवीपी जो छात्र संगठन है वो बीजेपी का छात्र संगठन कहा जाता है, आपको बता दें कि आरएस का संगठन कहा जाता है, तो उस हिसाब से देखें तो बीजेपी को कंडम किया जा रहा है। इधर आपको बता दें, बीजेपी ने इसे नकारा है, लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने एकजुटता से दिखाई है। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आज ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ये जानकारी दी कि जो जेएनयू के अंदर छात्र संघों के अध्यक्षों पर, छात्र छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो गंभीर रूप से उनको मारपीट की गई है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार न्यायिक जांच करवाती है और साथ ही निर्दोष जो छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज की गई है और जिनके साथ मारपीट की गई है, जिनके सिर फटे हैं, उनकी न्यायिक जांच तो होनी चाहिए, साथ ही हमलावर जो थे उनको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उधर चंद्रशेखर आजाद ने भी इस हमले में बीजेपी और आरएस का हाथ बताते हुए उन्होंने साफ तरीके से ऐलान किया है ट्विटर अकाउंट से कि अगर जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो भीम आर्मी बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। आपको बता दें, उसके बाद आज भीम आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की दिल्ली के प्रेस क्लब के अंदर, और विनय रतन सिंह की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी एड्रेस की गई। और आपको बता दें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप हमारे फेसबुक जो इस चैनल है उसके पेज पर भी देख सकते हैं, पहले से अपलोडेड है। इसके अलावा आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले देर रात उन्होंने ट्वीट भी किया, और आज उन्होंने जो अपना प्रेस मीडिया के अंदर उन्होंने बयान जारी करते हुए साफ तरीके से कहा कि जेएनयू में जो घटना घटा है उसके खिलाफ हम एकजुटता से विपक्ष लामबंद होकर लड़ेगा, और जिन छात्र लेफ्ट के साथ ये अत्याचार हुआ है उसके छात्र छात्राओं के साथ सरकार खड़ी रहे या ना रहे, लेकिन विपक्ष उनके साथ लामबद्धता से खड़ा रहेगा। तो कुल मिलाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक चीज साफ है कि जो जेएनयू के अंदर छात्र संघ के पदाधिकारियों और छात्र संघ के अलावा जो छात्र छात्राओं पर ये गंभीर गुंडई हुई थी, गुंडागर्दी के साथ उनको मारा पीटा गया था, उसके विरोध के अंदर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव एकजुटता से नजर आए। और मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आप चले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।